ओम शांति। मेरा नाम विपिन गुप्ता, मैं टेलीकॉम इंजीनियर रहा हूँ। मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया मैंने 2008 में। 2008 में ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। एक तो मेरे टेलीकॉम में जुड़ने के कारण, टेलीकॉम में मैनेजर था तो एंग्जाइटी बहुत रहती थी, डर रहता था। एक उस डर को बाबा को सौंप दिया तो वो डर मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे अनुभव में जो ईश्वरी ज्ञान में प्राप्त हुए जो ज्ञान था उसको मैंने अपनाना शुरू किया टेलीकॉम में। तो हमारे बॉस थे वो बड़े अखड़ से थे, तो जैसे बाबा जी ने संदेश दिया कि आप उसके सामने जाते हो तो आप बिल्कुल ये सोच के जाओ कि वो मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह बात करेगा और मेरे को बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा। उन्हीं वाइब्रेशन के साथ मैंने उसको टेस्ट करना शुरू किया और मैंने उनको बोला, उनके साथ गया, बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसी वाइब्रेशन के साथ गया और उसके बाद हमारी दोस्ती, अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसे ही जैसे जो हमारे मन में कभी विचार चले होते हैं तो उन विचारों को जो भी प्रॉब्लम होती है, मुरली सुनते हैं तो उसमें मुरली में वही उसका आंसर हमें मिलना शुरू हो जाता है। और मेडिटेशन के बाद एक तो काम रहना शुरू हो गया, एक मतलब शांत स्वभाव हो गया। मेडिटेशन से बहुत सारी मेरे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई और मैंने जो कोट्स हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के कोट्स हैं, उनको अपनाना शुरू किया तो मेरे में बहुत सारी चेंजेस आई। जैसे माउंट आबू जाने का भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो माउंट आबू में भी मेरे एक्सपीरियंस कुछ अलग से रहे। मैं जब भी मेडिटेशन रूम में बैठता था तो मेरे को बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती थी और मैं एकदम शून्य में हो जाता था, जो मैं यहाँ पे नहीं हो पाता हूँ। और मेरे को यहाँ पे भी, जैसे मैं सोलन में भी मेडिटेशन के लिए आता हूँ तो यहाँ का अनुभव भी बड़ा अच्छा रहता है। इसमें भी मेरे को मतलब जैसे कई बारी बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं, कोई विचार नहीं आते, कुछ नहीं, और बाबा का ध्यान रहता है। और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़ें और जीने की एक कला सीखें, क्योंकि जैसे मेरे अनुभव में एक ये भी है, पहले मेरे को कोई जैसे शरीर छोड़ता था तो बहुत बुरा सा अनुभव होता था, ऐसा फील होता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया गया कि ये शरीर है, हम ये वस्त्र की तरह चोला बदलती रहती है, आत्मा है जो अजर अमर है। तो इसके बाद जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो वैसा अनुभव नहीं होता जैसा पहले होता था, कोर्स करने से पहले होता था। लोगों को यही संदेश है कि ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ें और चीज़ों को ऊपर से देखना शुरू करें। ऊपर से देखने का मतलब है कि जैसे यही कोर्स हैं कि शरीर है, शरीर ने तो एक दिन साथ छोड़ना ही है, या जैसे वाइब्रेशन आप छोड़ोगे वही आपको वापस मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमें ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़ने के बाद ही पता लगी हैं।